तो सरकार ने फैसला कर लिया है एक बार फिर से कि 2000 का जो नोट है वो चलेगा, उस वो लीगल टेंडर है, उसको रद्द नहीं किया गया है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि 5 महीने का समय है, जिसके पास होगा वो नोट चलते रहेंगे और जैसे ही बैंक के पास आएंगे तो उसके बदले में दूसरा नोट मिल जाएगा। लेकिन 2000 नोट के साथ में ऐसा सरकार ने क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी चेक क्या है, जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2000 रुपये का नोट उनके पास कितने बार आता है दिन भर में। देखिए ये एक दुकान है एक भाई साहब की, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, रोहित ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या क्या काम करते हो? मेरे मोमोज का स्टॉल है। मोमोज का स्टॉल है, तो दिन भर में 2000 रुपये का नोट कितने बार देखते? एक से दो बार। और जब वो नोट देता है कोई व्यक्ति तो कितना मतलब चेंज वगैरह होते कुछ? हाँ बिल्कुल होते चेंज, नहीं होते तो दूसरे से करा भी लेते चेंज। लेकिन दो तीन अभी कितने अभी नोट होंगे 2000 के? आज ही नोट होगा? सुबह से नहीं है, शाम से नहीं है। सुबह से ज्यादातर नोट कौन कौन से हैं? 500 होगा और 100-200 के। दर्शकों को हम देखना चाहते हैं बस कि देखिए एक एक सामान्य व्यक्ति जब कमाता है तो देखिए इस तरीके से, ये इनका गल्ला है, 500 का है, 100 का है नोट है, 20 के हैं, 50 के हैं, 200 का है, तो बस ये इस तरीके की स्थिति है मार्केट में। मतलब ये तो एक एक एग्जांपल है। आइए और भी जगह चलते हैं, आगे भी चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि जो जिस तरीके से नोट 2000 रुपए के नोट के ऊपर सरकार ने कहा कि सर्कुलेशन में रहेगा लेकिन लीगल टेंडर जो है लीगल टेंडर रहेगा, 2000 का नोट जब है लोग दे दें, और जब लोग दे दें तो देखिए यहाँ पर ये सब तमाम जो दुकानदार हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आए हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करें। सर 2000 रुपये का सरकार ने बोला है कि लीगल टेंडर है, जिस जिसके पास में हो तो वापस कर दे। आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, कितना 2000 का नोट आपके पास महीने भर में आता होगा? ATM से निकलता है, दो या तीन निकलते हैं मुश्किल से, है ना? आजकल तो वो भी नहीं मिलते, नहीं ज़्यादातर 500 का मिलता है। तो ये सरकार के फैसले को किस तरीके से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने लिया है और अच्छा टाइम भी दिया, 30 सितंबर तक का टाइम दिया है, इसमें कोई अबड़ दबड़ या मारामारी वाली बात है नहीं। ये महिलाएं भी, उनसे भी जाना, आप लोगों को क्या लगता है कि 2000 रुपये का नोट यदि सरकार वापस ले रही है तो कोई कारण होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, सबसे बात तो ये है कि छुट्टा कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है। 2000 का नोट अगर खुलवाएंगे, नहीं अगर खुलवाते भी हैं तो कितनी दिक्कत आती है, इसलिए वापस ले रही है वो ज़्यादा बड़ी है। पिछली बार गृहणियों ने घर में रखे थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी कि सेव कर लिया था क्या? अब तो काफी टाइम से बंद है, हमने रखे ही नहीं। अच्छा पिछली बार से छरक गया क्या? 500 क्या? आपका क्या कहना, कुछ कहना चाहिए? इस पर ग्रहणियां समझदार हो गई हैं, वो भी डिजिटल हो गई हैं। अच्छा डिजिटल हो गई है। ये सरकार का जो निर्णय ठीक है, आपको लगता ठीक है? उनके हिसाब से ठीक होगा, जनरेट जो हो रहा था वो कम होगा, उनके हिसाब से ठीक होगा। हो सकता है पिछली बार जो ब्लैक मनी रिकवर हुई है उन्हें लगता होगा 2000 के नोट बंद करने से दोबारा ऐसा हो तो उन्हें ज्यादा पता होगा। सर आपका क्या कहना होगा? 6-8 महीने से तो ATM में भी आ ही नहीं रहे हैं और शायद बहुत टाइम से बंद हो गए हैं। ठीक डिसीजन है बिकॉज और टाइम भी दिया इन्होंने 30 सितंबर तक का। बिल्कुल 30 सितंबर तक का समय है, जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट हो तो आए। और ये देखिए ये क्या क्या इसका नाम है? दूध की बोतल है, ये बहुत शानदार केसर पिस्ता बादाम दूध की बोतल है। आप आइए 2000 रुपए का नोट लेकर आइए, इसको पीजिए और सितंबर तक सारे नोट जिन जिन के पास भी होंगे, इनके पास भी आएंगे तो ये भी बैंक में जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास हो तो आप भी जमा कर सकते हैं। दादा कितने नोट आते होंगे दिन, क्या नाम है आपका? 500 के आते हैं सर, 2000 के नहीं आते है? 2000 के नहीं आते, एक आधी आज दिन भर में एक आधी नहीं आते, नहीं आता, नहीं आता। ये सरकार का निर्णय कैसा है? बढ़िया है, सही है, सही है। आप लोग इसके साथ में? टाइम मिल गया ना, सर्कुलर में नहीं है बहुत ज्यादा इसलिए साथ में, इसलिए और टाइम भी, टाइम बहुत मिल गया। पैनिक तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई अफरा तफरी कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2000 के नोट है किसके पास अब? हाँ 2000 के नोट ही नहीं है अब, जब 2000 के नोट ही नहीं है किसी पे तो कोई टेंशन ही नहीं है किसी को, आएगी टेंशन क्यों भाई? ये देखिए ये सैंडविच खाया जा रहा भाई लोगों द्वारा, 2000 का नोट बंद हो गया, क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहीं घोटाला होगा जब भी सरकार ने बंद किया? आप पे कितने नोट है 2000 के? मेरे पे तो 500 का भी नहीं है सर। आप पे नहीं है सर, 2000 का एक भी नहीं है। लेकिन ठीक किया सरकार ने, कितना दिन भर में या साल महीने भर में कितने देखते थे नोट? एक भी नहीं देखा। 2000 का नोट कब से नहीं देखा? देखा ही नहीं, हमारी खुद की शॉप है, हमारी खुद की शॉप है, मेरी शॉप पे आज तक 2000 का नोट आया नहीं, मेरे को लगभग डेढ़ महीने में। आप देखिए क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल कहाँ? जी टी नगर की दुकान,
हमारी पान की शॉप है। पान की शॉप में 2000 रुपए का नोट डेढ़ महीने हो गए खोले, आए नहीं। ये देखिए एक शॉप है के स्टोर। अब देखिए के स्टोर के अंदर आते, ये स्टोर है, यहाँ सारी चीज़ें मिलती। देखिए ये सब लॉलीपॉप और शेविंग किट और तेल और फलाना और ढिकाना। लेकिन क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम करण खन्ना। करण जी? करण। करण हमारे साथ करण है, लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूँ, मेरा नाम हिमांशु है। करण भाई, 2000 रुपए के नोट के बारे में सरकार ने बोला कि 30 सितंबर तक जिसके पास हो, लीगल टेंडर है, नोट की वैल्यू वही है, लेकिन चूंकि मार्केट में कम है तो वापस सरकार ले रही है, उसके बदले में दूसरा नोट मिलेगा। ये निर्णय आपका सरकार का कैसा लगता? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आप एक शॉपकीपर होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये निर्णय ठीक है? 2000 के देखो इतने नोट तो आते नहीं है बेसिकली। आपके पास कितने दिन भर में आते होंगे? एक दो मैक्स। एक दो मैक्स, मैक्स हाँ। और उसमें भी छोटे में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार? कभी कभार। अभी देखिए हम क्या अभी आप दिखा सकते हैं कितने नोट होंगे आपके गले में? कुछ हम देखिए, देखिए उसके तो नहीं होंगे बेसिकली। देखिए जितने भी नोट, एक सामान्य तौर पर हम दिखाना चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के वैसे नहीं होंगे। हाँ, 1500 रुपए के नोट हैं। देखिए क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण सर। ये देखिए, ओहो, 2000 रुपए दर्शन दुर्लभम। दर्शन करिए। देखिए इनको भी कितने, ये आज दर्शन हुए थे कि नहीं भाई साहब? आपका नाम क्या है? तरुण सर। तरुण राजपुर रोड से। राजपुर। अरे भाई तरुण भाई, ये बताइए ना, एक मिनट। देखिए ये 2000 रुपए का नोट है और इसका सीरियल नंबर है 6GF980327। और ये कितनी देर, कितने समय से आपके पास है सर? ये आईडी निकाला क्या एटीएम से? 2-3 दिन से मेरे पास है और छुट्टी नहीं मिल रही थी। नहीं नहीं, मुझे अभी पता लगा आधे घंटे पहले कि भाई 2000 का नोट बंद हो चुका है। नहीं नहीं, बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा समय मतलब चार पाँच महीने का समय के बाद में, लेकिन वापस ले लेंगे। हाँ, शॉपकीपर लेते हुए थोड़ा घबरा रहे हैं, उनको थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं क्यों घबराने लगो? हाँ, क्योंकि ये नोट बंद नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, तो आपके पास होगा तो आप भी बैंक में चेंज कोई इशू थोड़ा बहुत पैसे बिल्कुल तो आप जमा कर सकते हैं, हमारा आगे सर्कुलेशन में चला जाएगा सामान। लेकिन कई शॉपकीपर जो हैं थोड़ा सा घबरा। क्या लेने वाले थे आप? मैं सर आइसक्रीम लेने आया था। तो देखिए ऐसा है कि 2000 रुपए में कितनी आइसक्रीम लेने आए थे आप, कितने लोगों के लिए? सर 300 रुपए। 300 रुपए की आइसक्रीम? देखिए दो चार और ले लीजिए तो दो चार लोगों को खाली भी ले लेते हैं। नहीं नहीं, मीडिया फैमिली के लिए भी ले। तो देखिए दो, नहीं नहीं, 2000 रुपए का ये जो नोट है ये बंद नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है सरकार का निर्णय सही है? बिल्कुल सर सही है। क्या इससे ब्लैक मनी जनरेट होना कम होगा? जो है बढ़ रही थी तो वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। देखिए 2000 रुपए का नोट। जय जयेश, अब आइए, आगे आइए। चंद्रदेव यादव हमारे वीजे हैं, चंद्रदेव यादव जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और देखिए अभी एक पान वाले व्यक्ति से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था भैया डेढ़ महीने की दुकान होगा खोले, डेढ़ महीने। एक पान वाले व्यक्ति मिले थे, पान की दुकान थी उनकी, वो कह रहे थे डेढ़ महीने हो गए 2000 रुपए का नोट नहीं आया है हमारे पास। तो आपका नाम क्या है? मैं शंकर चौरसिया। चौरसिया जी, आप ये बताइए 2000 रुपए का नोट आपके पास कब से नहीं आया? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से आई नहीं रहे। 3-4 महीने से नहीं आया? नहीं। तो ये सरकार का निर्णय कैसे देखते हैं आप? बढ़िया, ठीक है। देखिए इस तरीके से पान लगाते हैं, कौन कौन सा पान लगाते हैं वैसे आप? मतलब हर प्रकार का? हर प्रकार का, जैसा कहेंगे वैसा लगा देंगे। जैसा पान चाहे वैसा? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए अभी आपके पास में किस किस कौन कौन से नोट होंगे? 100 के, 500 के? अभी तो एक भी नोट नहीं है, सब खर्च हो गए। अच्छा ये डिजिटल का कितना प्रभाव है? डिजिटल में बहुत बढ़िया है, सीधे बैंक में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, सीधे बैंक में चले जाते। सर आप कुछ कहना चाहेंगे ये 2000 के नोट के बारे में? नहीं, ये तो बंद होने ही था, शुरू से पता था। मतलब सरकार के निर्णय, सर एक बार कैमरे की तरफ देखेंगे, मैं कह रहा हूँ सरकार का ये निर्णय ठीक? बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है। पब्लिक में कोई पैनिक तो नहीं? ना ना, कोई पैनिक नहीं है, इतना टाइम दिया उन्होंने, 30 सितंबर तक का टाइम है, क्या दिक्कत है? इस चीज़ से ज़्यादा रिलीफ रहेगी पब्लिक को, क्योंकि अगर जेब से अगर गिरा तो 2000 रुपया फटका, और 10-20 का गिर जाए तो आदमी बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जिंदगी में कितने भैया फटके जो है ना, वो भी यदि नोट गिर गया तो 10 का गिर जाए तो कहा चलो कोई बात नहीं 10 रुपए हैं, 2000 का गिर गया तो क्या भाई साहब। देखिए और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं, ये देखिए दुकानदार जो लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार थे, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं बात करने के लिए। सर वो जो 2000 रुपए का नोट बोल रही सरकार की अब वापस ले लेंगे, तो निर्णय सही लगता आपको गलत लगता है? गलत लगता है, क्योंकि पब्लिक को परेशान होना है, बड़े बड़े तो लोग हैं तो अपना काम कर ही लेंगे, नहीं परेशान को आम पब्लिक। अच्छा ये बताइए कि आपको, आप 2000 का नोट आपने कब से नहीं देखा, कब तक आपके पास? अब तो ऑनलाइन हो गया है,
तो फिर भी, लेकिन फिर भी देखा है अभी सरकार का कहना प्रचलन में कम है इसलिए उसको बंद नहीं कर रहे हैं। 30 सितंबर तक जिसके पास होगा तो अपना दूसरा नोट ले सकते हैं। हाँ वही, चाहे जमा करो चाहे कुछ भी करो, पब्लिक ही परेशान होनी है, बाकी तो कुछ होना नहीं। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल भाई साहब। अरे कुणाल भाई साहब कहाँ थे आप? अरे सर सर कहाँ के रहने वाले? मैं यही दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले। सरकार के इस निर्णय पर क्या कहेंगे? 2000 वाली तो कहानी आपको पता ही होगी। सर देखिए, मुझे तो आज तक, मैं सरकारों की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भाजपा सरकार चाहती क्या है? अभी तो हम लोग पुराने झटके से भी नहीं उकले, मैं हमारा बिजनेस है। अच्छा, वो जो पुराना नोटबंदी हुई थी, अब आपने एक नई करेंसी करी, उसको आप 3 साल की, जिसमें 2 साल कोरोना ने आदमियों को बिल्कुल ही जिंदा नहीं छोड़ा, उसके बाद आप एक और चेंज करना चाह रहे हैं कि 2000 का नोट हम बंद नहीं कर रहे हैं। लीगल टेंडर रहेगा, वो 5 महीने का समय, जिस जिसके पास में जो जो होगा तो वो दूसरे नोट में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा सर? आप मुझे समझा सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या कहती है इस बारे में? देखिए, मैं तो इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूँ, मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना समझ सकता हूँ कि आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम एक बार जानना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि सब UPI यूज़ करते हैं, कैश कोई रखता ही नहीं है। ब्लैक मनी रखने वाले को बहुत प्रॉब्लम होगी, पर जो सही पैसा रख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है? गौतम नाम है मेरा। गौतम जी आपका नाम क्या है? सर मैं प्रदीप अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए, ये निर्णय कैसा है सरकार? ये सरकार का निर्णय बिल्कुल सही अच्छा है। ये बताइए कि कितने नोट है, लगा लिए एक बार? कुछ नहीं, नोट निकालिए आज नोट दिखाए जाएंगे। नहीं देखिए सर, ये देखिए, नहीं नोट है ही नहीं। देखिए, ये एक आम व्यक्ति, क्या नाम है आपका? प्रदीप अग्रवाल जी है ये। चंद्रदेव यादव आपको दिखा रहे, 100 का नोट है और 500 के कुछ नोट हैं, और 100 का है और 50 का है और 10 का है। 2000 का नोट आप कब से नहीं देखे हैं? मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तो हो गया, शायद देखा हो किसी के हाथ में, अपनी जेब में तो हमें 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से ऊपर हो गए, ये आम जनता कह रही है कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि 3-3 महीने हो गए हैं 2000 रुपए का नोट हम पे आया ही नहीं, और कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि दिन में 1-2 आ जाते हैं, बाकी तो देखने मिलते नहीं है। तो फिर बाकी के नोट गए कहाँ? 2000 रुपए के नोट है कहाँ पर? क्या सरकार का ये निर्णय सही है, क्या सरकार का ये निर्णय गलत है? ज़्यादातर लोग बोले कि निर्णय सही है, क्योंकि 2000 रुपए का जो नोट है, यदि वो ब्लैक मनी के तौर पर किसी के पास में है तो वो टेंशन में है, पब्लिक के पास में तो डिजिटल में, और नंबर 1 का जो भी है जो सरकार दे देती है वो ले लेती है। तो ये राय है जनता की, अब जनता तय करेगी कि ये निर्णय सरकार का सही है या गलत है, और आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपके पास 5 महीनों का समय है। मेरे पास तो नोट है नहीं, आपके पास है क्या? तो नोट दिखाइए। 2000 का नहीं है सर, 500 का है। 500 का है सर। फिर भी दिखाइए तो। 500 का है, दिखाइए। 500 का है। मैं बताना चाहता हूँ आम लोगों को, इस पर 2000 के नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने पहले ही सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया है। जो अब सारा कैश का है ना भार, वो बिल्कुल कम हो चुका है। आजकल आप देख सकते हो ठेले वाला भी, किसी भी आप शॉप पे जाओगे तो वो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट सब जगह हो रही है, बिल्कुल सब जगह हो रही है। तो ये उनके लिए दिक्कत है जो टैक्स पेयर नहीं है, जो अभी भी ब्लैक मनी जो दबा के बैठे हैं, जो दबा कर रखे हुए हैं, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। देखिए ये भाई साहब यहाँ पर आवाज लगा रहा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा जी चमन प्रकाश है। चमन जी, अरे चमन भाई हंसी मुस्कुराइए। चमन भाई एक बार इधर तो आइए। हाँ जी बोलिए। चमन भाई ये बताइए आप क्या काम करते हैं? ये माइक वाइक लेके क्या बोल रहे? मेरे गार्ड का काम है। गार्ड काम है। अच्छा ये बताइए, 2000 रुपए का नोट आपको कब से नहीं मिला? मैं तो काफी दिन हो गए, मेरे को कम से 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने 2000 का नोट मिला ही नहीं? नहीं जी। ये आम आदमी है, गार्ड का काम करते ना, दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के? दिल्ली के से। दिल्ली के रहने वाले जी। बच्चे बच्चे हैं? नहीं अभी बच्चे नहीं है जी। अरे यार लग तो नहीं रहा। अच्छा तुम स्वयं बच्चे? खैर कोई बात नहीं। तो देखिए ये आम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत सही है। मैं वैसे बाय CA प्रोफेशन हूँ, तो मैं उस नजरिए से भी समझ सकता हूँ। जानते हैं आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो ये निर्णय क्यों लिया होगा सरकार ने? ये निर्णय एक सीधा एक तो रीजन यही है, ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये एक डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने का भी एक तरीका है। क्योंकि अगर आप, चाहे आप आम आदमी की बात करें, चाहे आप किसी बड़े आदमी की बात करें, चाहे आप छोटी शॉप की बात करें, चाहे बड़ी शॉप की बात करें, आज हर जगह पेटीएम वगैरह या ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम, आम आदमी में इसमें पैनिक नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। और यदि किसी के पास नोट है और यदि वो वाइट का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक में जाइए और अपना जमा करा दीजिए। 4,000 2,000 के नोट की गड़ियाँ आप जमा कर दो, नंबर 1 का है तो क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या खा रहे हैं आप? नान। देखिए हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ खा रहे हैं लोग, लेकिन हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ये जो 2000 रुपये का नोट बोला है कि 30 सितंबर तक जिनके पास हो दे दो,
तो आपको क्या लगता है निर्णय कैसा है? सही है निर्णय, जो लोगों ने दबा रखा है नोटों को वो ब्लैक मनी वो एकदम से खत्म हो जाएगी। आपके पास कब से 2000 का नोट रहा, कब देखा था आपने या है अभी? अभी तो देखा है आज हमने, और आज ही से ये दिक्कत शुरू हो गई, कोई लेने को तैयार नहीं है। अच्छा ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ दो जगह हमने कई जगह धक्के खाए अभी जब ये खबर आई उसके बाद तो देखिए सरकार को इस बात पर, देखिए हम इसलिए जनता की बात सुना रहे हैं, जनता सरकार सुन रही है, और सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि आपके इस फैसले से अचानक से जो दुकानदार है बहुत सारे लोग हैं वो 2000 रुपए का नोट आम जनता से ले नहीं रहा है, तो कृपया करके सरकार इस मैटर पर सामने आए और सब लोगों को ये निर्देश दे कि नहीं भैया ये कोई भारत सरकार की करेंसी, इसका अपमान नहीं किया जा सकता, ये लीगल टेंडर है, ये 2000 रुपए का नोट 2000 रुपए में ही चलेगा और तब तक चलेगा जब तक मार्केट में बना हुआ है, जैसे ही मार्केट से सारा वापस चला जाएगा दूसरे नोट आ जाएगा। बिल्कुल बात, तो ये सरकार को इस बात की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या काम करते हैं? हैंड एम्ब्रॉयडरी का। अच्छा ठीक है, तो देखिए आम जनता जो है उन सबका ये मूड है कि ये जो निर्णय है ये लगभग बिल्कुल ठीक है सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार ने 30 सितंबर तक की म्याद दी है, 30 सितंबर तक क्या मार्केट में जो बचे कुचे नोट हैं 2000 के या कहीं पर ब्लैक मनी के तौर पर जनरेट हो गया है, क्या वो पैसा बाहर निकल कर आ जाएगा सरकार के खजाने में? यदि वो आ जाता है तो सरकार का ये जो फैसला है ये फ़ायदेमंद साबित होगा सरकार के, लेकिन आम जनता में फ़िलहाल कोई पैनिक नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि 2000 रुपये का नोट जो है वो कुछ दुकानदार ले नहीं रहे, तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और निर्देश जारी करना चाहिए कि 2000 रुपये का नोट लेने से कोई मना नहीं कर सकता जब तक सरकार ये ना बोल दे कि ये 2000 रुपये का नोट जो है लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन फिलहाल 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।